हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, 26 जनवरी काफ़ी नज़दीक है और फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग मैं एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। जो वीडियो अभी आपने प्रीव्यू में देखा, तो फ्रेंड्स, इस तरह के स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं आप अपने मॉडल इमेज के साथ और मनपसंद सॉन्ग लगाकर, फ्रेंड्स पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए 2 प्रीसेट का आपको यूज करना है। एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एक मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट पर कैसे जाना है और मटेरियल कैसे वहाँ से इम्पोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो बता दिया हूं, ताकि बार बार वो चीजें बतानी ना पड़े। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और पहले आप अगर देख चुके हैं उस वीडियो को, तो नेक्स्ट टाइम आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट अपना काम कर सकते हैं। तो सिंपली वेबसाइट पर जाइएगा और लिंक वहां से इंपोर्ट कर लीजिएगा। सो इंपोर्ट करने के बाद आपका एलाइट मोशन ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाता है। तो एलाइट मोशन में आपको आ जाना है, आप प्रोजेक्ट वाले फाइल में आपको चले जाना है। तो 2 वीडियो का लिंक जो है प्रीसेट में आपको दिया हूँ, एक ए वाला और एक ए वाला। तो आप क्या कीजिएगा, ये वाला तो सही है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, और ये वाला जो है इसे आपको सेलेक्ट करके इसका डुप्लीकेट कर लीजिए, ताकि इसमें हम एडिटिंग करेंगे तो अगर आपका कोई परेशानी हो तो उससे आप सेफ रहेंगे। और ये वाले को आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर लेना है, फिर यही वाली ऑप्शन टैप करना है, कॉपी लेयर कर लेना है, देन यहाँ से बैक आ जाना। बैक आने इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद ये वाली ऑप्शन टैप कीजिए, यहाँ पे पेस्ट 8 लेयर कर लीजिएगा। और ये नीचे में कैमरा प्रीसेट रह गया था, मैं इसे डिलीट करना भूल गया था, आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं रहेगा आप में, तो आप इसे ले लीजिएगा। लेने के बाद अभी जो आप लेकर आए उसमें कैमरा प्रीसेट यहाँ पर लगा हुआ है, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए और ये वाली ऑप्शन टैप करके यहाँ से इनेबल कर लीजिएगा। इनेबल करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो भाई, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जैसे मॉडल इमेज चेंज कर सकते हैं, और ये वीडियो 3 लेयर वीडियो का लगा हुआ है, इसे चेंज करना है। तो ये यहाँ पे जो भी मटेरियल है आपको चेंज करना है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो उसे ले लीजिएगा। और फोटोज़ यहाँ पे लगे हुए हैं, बट फिर भी अगर आप अपना फोटो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले हम वीडियो चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फोटो यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला फोटो आप देख सकते हैं, फायर स्पार्क इफेक्ट ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे, तो आपको इसे सेलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पर क्लिक करना है, ये वाली ऑप्शन टैप करना है। देन टैप करने के बाद आपको गाइस यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड में सिंपली चले जाना होगा। तो यहाँ पे हम डाउनलोड में चले जाते हैं, और गाइस डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे ये वाला वीडियो, ये वाला फायर वाला वीडियो जो है, इसे लेकर यहाँ पे प्लस कर लेना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे वीडियो ऐड हो गया। देन सेकेंड वाला फॉग वाला है, तो इसे सेलेक्ट कीजिए, कलर एंड फिल क्लिक कीजिए, ये वाले को ऑप्शन को टैप कीजिए, यहाँ पे फॉग को सिलेक्ट करके और यहाँ पे राइट प्लस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद आपको आ जाना है आगे 17 सेकंड पे, ये तो रोज वाला इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसे सिलेक्ट कीजिए, कलर एंड फिल पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप इसे रिप्लेस कर लीजिएगा इस वीडियो के साथ में। 3 वीडियो आपको मिल गया, तीनों आपने इसे सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद ये वाली ऑप्शन टैप करें, यहाँ से ये हाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको मॉडल इमेज अपना देखना है, तो सबसे पहले तो यहाँ स्टार्टिंग में अगर आप इसे प्ले करेंगे, तो फर्स्ट मॉडल इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला आर्मी का यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोर्स है, इसे आपको चेंज करने का अगर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं ये वाला। तो आपका जो मॉडल इमेज होगा, जो इसे आप यहाँ पर लगाना चाहते हो, तो सिंपली इसे सेलेक्ट कीजिए, कलर एंड फिल पर जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद ये वाली ऑप्शन टैप कर लीजिए, टैप करने के बाद यहाँ पे आपका अपना फोटो जो लगाना है उस फोटो को ले लीजिएगा। जैसे ये वाली मैं सेलेक्ट करके यहाँ से प्लस कर देता हूँ, तो फोटो यहाँ पर रिप्लेस होगा, जो कि देख सकते हो कुछ इस तरह से, बट ये सही से यहाँ पे देखने में सही नहीं लग रहा है, तो हम इसे एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट कैसे करना है, फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, कलर यहाँ पे एडिट से अपने चले जाएंगे, और इसका वेट थोड़ा सा हम इस तरह से बढ़ा देंगे, ठीक है। हाइट वेट आप एडजस्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जितना पे भी आप रखना चाहे तो रख लीजिए। तो मैं इतना पे रहने देता हूँ, जैसे देख सकते यहाँ पर ये फिट हो गया। अब थोड़ा आगे आइए, तो नेक्स्ट वाला मॉडल इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे ये वाला मॉडल इमेज देख सकते हैं। इसे भी चेंज करना चाहे तो सेम प्रोसेस आपको वही करना है, ऊपर की तरफ आइए, यहाँ पे देख सकते मॉडल इमेज यहाँ पे दिख रहा है, इसे सेलेक्ट कीजिए, कलर एंड फिल पर क्लिक कीजिए, ये वाली ऑप्शन टैप कर लीजिएगा। टैप करने के बाद इसकी जगह पर दूसरा कोई इमेज अगर आप लगाना चाहते हो, तो इस इमेज को ले सकते हैं। मैंने कुछ फोटो का जो बैकग्राउंड है रिमूव करके रखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे फोटो है, इसमें से जैसे मैं आपको यहाँ पे तब तक के लिए इसे लगाकर दिखाता हूँ, तो इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्लस कर दिए, फोटो यहाँ पे रिप्लेस हो गया, बट इसे भी हमें एडजस्ट करना होगा। तो एडिट से अपने जाएंगे, यहाँ से हाइट वेट इसका एडजस्ट कर लेंगे, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे सेलेक्ट किया। और फिर इसे अगर आप जूम आउट करना चाहे, जूम इन करना चाहे, तो अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, जितना पे भी रखना चाहे। इसे मूव वगैरह करना चाहे तो आप मूव करके जहाँ पे भी रखना चाहे रख सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे तब तक के लिए सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर से यहाँ से प्ले कीजिएगा, आगे की तरफ जाएगा, नेक्स्ट वाला इमेज जो आपका होगा उसे दिखाई देगा आपको। जैसे ये वाला इमेज देख सकते हैं यहाँ पे, ये गर्ल का इमेज मैंने लगाया, सैल्यूट करता हुआ गर्ल एक को आपको दिख रहा हो, तो इस फोटो को सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट करना कलर एंड फिल पर क्लिक कीजिएगा, ये वाली ऑप्शन टैप कर लीजिए। टैप करना आप अपना फोटो यहाँ पे जो भी लगाना चाहे तो उसे लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई आर्मी का फोटो लगा देता हूँ, ये वाला फोटो लेकर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, फोटो यहाँ पे रिप्लेस हो गया। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे फोटो ऐड हो चुका है, बट इसे एडजस्ट करने की आपको जरूरत होगी, तो उसके लिए एडिट से अपने जाइएगा, यहाँ पे जूम आउट वाले ऑप्शन में जाकर जूम इन जूम आउट जो भी करना हो कर लीजिएगा। मूव करना हो तो मूव कर सकते हैं, बट फिंगर की मदद से मूव कीजिएगा, नहीं तो बटन से कीजिएगा। तो यहाँ पे की फ्रेम लगा हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी। अब एडिट से जाकर इसका हाइट वेट आपको एडजस्ट करना होगा, तो उसे भी आप कर सकते हैं, जितना पे आपको रखना है उतना पे रख लीजिएगा। तो परफेक्टली हमारी एडिटिंग जो फिनिश
शो हो चुके, काफी इजी स्टेप में यहाँ पे सारे चीज लग चुके हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना, करना क्या है तो सिंपली ऊपर वाले एरो पे क्लिक करना है, एक्सप्लोर पे क्लिक कर देना है। सॉन्ग लगा हुआ है, सॉन्ग आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मैंने ऐसे रहने दिया। तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये सेव हो रहा है तो आपके फोन में भी सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, उसके वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।